हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में हम शिक्षा शास्त्र की यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत चेंज मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और उस कड़ी में आज हम लोग जापानीज मॉडल ऑफ चेंज को डिस्कस करेंगे, अर्थात परिवर्तन से संबंधित जो जापानी प्रतिमान है उनकी परिचर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने अमेरिकन मॉडल ऑफ चेंज, जिसे हम कुर्ट लेविन मॉडल के नाम से जानते थे, उसको हमने डिस्कस किया था। आपके सिलेबस में जापानीज मॉडल ऑफ चेंज के अंतर्गत दो मॉडल रखे गए हैं, जस्ट इन टाइम मॉडल, या जिसे हम JIT कहते हैं या JIT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा है पोकायोक मॉडल। तो ये दो प्रतिमान जो है वो जापान की जो विचारधारा थी परिवर्तन प्रबंधन को लेकर के, उन पर आधारित है। और हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने जो एक तीव्र प्रगति की है और एक लगभग अस्तित्वहीन राष्ट्र से उठ करके एक जो है आर्थिक महाशक्ति बना, उसमें कहीं ना कहीं उसका जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, उसकी जो औद्योगिक क्रांति थी, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उस औद्योगिक क्रांति में कहीं ना कहीं ये जो नॉलेज है जापान से निकला हुआ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और ना केवल ये ज्ञान जापान की अर्थव्यवस्था के लिए, जापान के पुनर्निर्माण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ, बल्कि पूरे विश्व समुदाय को उससे लाभ मिला और पूरे विश्व ने जापान के उस ज्ञान से अपनी आर्थिक और सामाजिक प्रगति का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया। तो चलिए गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पहला मॉडल डिस्कस करेंगे, जस्ट इन टाइम मॉडल। अब ये जस्ट इन टाइम मॉडल, या जिसे हम JIT कहते हैं, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। पोकायोका को एक अगली क्लास में देखेंगे। तो अगर हम जस्ट इन टाइम मॉडल के बारे में बात करें, तो इसका जो हिंदी भावार्थ निकलता है वो क्या है, अगर हम इसको कहें जस्ट इन टाइम, तो इसका मतलब है सही या ठीक समय पर, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में JIT भी कह सकते हैं। तो अब यहां पर ये जो थॉट है जस्ट इन टाइम, इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। थोड़ा सा हम इसका एग्जाम्पल ले, अगर आज के हम प्रोस्पेक्टिव में बात करें, तो हम सभी ने नाम सुन रखा होगा पिज्जा का, बर्गर का, अमेज़न का, HP का, एप्पल का, ये बड़े पॉपुलर नाम है। और आप देखें कि इनकी ये तमाम ये जो इसमें से कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर हैं। अगर हम बात करें तो जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। HP एप्पल्स क्या है, ये मैन्युफैक्चरर यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। तो ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जैसे आप कहें कि आप ऊबर का नाम सुनते हैं, ओला कैब का नाम सुनते हैं, ये जो तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये इनका जो सर्व इनकी जो डिलीवरी होती है, इनकी जो डिलीवरी है वो बड़ी क्विक होती है। यानी डिलीवरी क्या है, बड़ी क्विक होती है, त्वरित होती, इमीडिएट होती। तो जस्ट इन टाइम का मतलब है कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस्ड हुआ, वैसे ही यानी विद इन समय, ठीक समय पर, यानी कम से कम समय में जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारी सर्विस है वो कस्टमर तक पहुंच जाए। इसका मतलब है कि जस्ट इन टाइम मॉडल जो बात करता है वो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ ऑर्डर टू द कस्टमर के पास कहता है। अर्थात ये मॉडल कहता है कि कोई भी उत्पाद है या कोई भी सेवा है, वो जितनी जल्दी, जितनी त्वरित रूप से ग्राहक तक पहुंच जाए,
उससे हम बहुत सारा जो अपना एक्सपेंस है, बहुत सारा जो अपनी क्वाल जो वेस्टेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी डिलीवरी में डिले होता है, हमारी जो कस्टमर सर्विस है वो स्लो होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन लॉस होता है, हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन लॉस जो है कॉस्ट बढ़ती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि जब एक उत्पादनकर्ता, एक मैन्युफैक्चरर या एक सर्विस प्रोवाइडर अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत डिले करता है या टाइम कंज्यूम करता है, तो इससे ना केवल उसकी जो क्वालिटी है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अपितु अननेसेसरी उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्ट ऑफ सर्विस है, वो भी अननेसेसरी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये मॉडल बात किस पर करता है, बात करता है मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर, मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री पर, अर्थात हमारा कम से कम स्टॉक हो, हमारा कम से कम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन व्यय हो, हमारा कम से कम जो हो वो डिफेक्ट्स हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस मॉडल के अंतर्गत है। लेकिन जस्ट इन टाइम का मतलब ठीक समय पर, मतलब कम से कम समय पर, अगर हम इस मॉडल के बारे में बात करें तो इस मॉडल का संबंध, ये मॉडल जो है वो आज के समय में भी ये तमाम कंपनीज जो है वो यूज करती हैं। और आप सभी जानते हैं कि पिज्जा यानी ऑर्डर से 20 मिनट 10 मिनट पे पहले वो कहते हैं कि हम पहुंचा देंगे, उबर है कि आप बुक करिए और 10 मिनट में जो है गाड़ी आपके पास होगी, टैक्सी आपके पास होगी, विद इन समय जो है ये प्रोडक्ट आप तक पहुँचाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो जो ये नॉलेज है जस्ट इन टाइम की, वो आज के समय में बहुत सारी कंपनी जो है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या सर्विस प्रोवाइडर यूनिट्स हो, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो अब जरा इस मॉडल के बारे में कुछ फॉर्मल बात करते हैं, यानी ये मॉडल करता क्या है, किसके बारे में बात करता है। बात करता है टॉक टू, पहली चीज इमीडिएट डिलीवरी ऑफ ऑर्डर टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दूसरा स्टोरेज लेस प्रोडक्शन टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यानी ये जो मॉडल है मुख्य रूप से जो बात करता है वो बात करता है इमीडिएट डिलीवरी ऑफ ऑर्डर से, अर्थात क्विक डिलीवरी या इमीडिएट डिलीवरी ऑफ ऑर्डर, किसके लिए, टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी जो हमारा जो यात्रा व्यय है किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में या किसी भी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने में, उसको हम कम से कम किया जाए। जो स्टोर जो है इसको हम कहते हैं स्टोरेज लेस प्रोडक्शन, यानी कोई भी चीज जो है वो बनने के बाद जो है वो स्टोर नहीं होगी, यानी इसको हम स्टोरेज लेस कह लीजिए, या इसके लिए हम एक शब्द और भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, स्टॉक लेस प्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको, स्टॉकलेस जो है प्रोडक्शन टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का मतलब है जो हमारा स्टॉक है, जो मटेरियल है। तो दो तरीके से, हालांकि अभी इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है कॉस्ट ऑफ, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है जीरो डिले टाइम,
जीरो डिले टाइम्स की, यहां पर बात हो रही है जीरो स्टॉक की, फिर यहां पर बात होगी जीरो डिफेक्ट्स की। तो जीरो स्टॉक या जीरो इन्वेंटरी एंड यहां पर जीरो प्रोडक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं, जीरो लीड टाइम या इसी को हम जीरो प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये चार पांच बातें यहां से निकल करके आती हैं, अर्थात ये जापानीज मॉडल जो है वो बात करता है कि हम बहुत त्वरित रूप से, यानी हम किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने में बिल्कुल भी जो है वो समय नहीं लेंगे। दूसरा, हम कोई भी स्टॉक नहीं रखेंगे, यानी जब ऑर्डर आएगा, इसका मतलब है जीरो स्टॉक का मतलब है नो ऑर्डर नो प्रोडक्शन, जब तक ऑर्डर नहीं होगा तब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। जीरो डिफेक्ट्स का मतलब है कि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो जो है उसमें कोई भी स्क्रैप नहीं रहेगा, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं होंगे, उसमें कोई खामियां नहीं होंगी। एंड जीरो लीड टाइम्स का मतलब है जीरो प्रोडक्शन, अर्थात हम किसी भी चीज़ को पहले से बना कर नहीं रखेंगे, जब ऑर्डर आएगा तब हम बनाएंगे। आप देखें कि जैसे पिज्जा या बर्गर होता है तो वो पहले से तैयार नहीं रखते, जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो फिर वो क्या है, उसको विद इन टाइम यानी 5 मिनट में 10 मिनट में वो कस्टमर की टेबल तक पहुंचाते हैं या कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं, पहले से वो चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करके नहीं रखते। तो मोटी बात क्या है, जस्ट इन टाइम का मतलब है ठीक समय पर, और ठीक समय पर मतलब है हर चीज ठीक समय पर, सामान की या उत्पाद की या सेवा की डिलीवरी हो जाए, ठीक समय पर ही उत्पादन किया जाए, ठीक ठीक प्रोडक्ट बनाया जाए और ठीक ठीक सामग्री ही परचेज की जाए। अर्थात जब इसको अगर हम मूल रूप से इसको पूरे को समराइज करें तो जस्ट इन टाइम एक ऐसा मॉडल है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की हर चीज को जस्ट इन टाइम करने की बात कर रहा था। अर्थात आप परचेजिंग कब करें, जब नीड हो, नो नीड नो परचेजिंग। आप सामान कब खरीदें, आप इन्वेंट्री कब खरीदें, जब ऑर्डर आए, नो ऑर्डर नो परचेजिंग, नो ऑर्डर नो प्रोडक्शन। जब ऑर्डर आएगा तब हम सामान खरीदेंगे, तब हम इन्वेंट्री खरीदेंगे, जब ऑर्डर आएगा जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और जब ऑर्डर आ जाएगा तो फिर हम अपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाकर नहीं रखेंगे, उसी समय फिनिश प्रोडक्ट तैयार करेंगे और उसको जीरो टाइम जीरो डिले टाइम पर हम अपने कस्टमर तक पहुँचाएंगे। अर्थात जो परचेजिंग है वो जस्ट इन टाइम होगी, मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो जस्ट इन टाइम होगी, और जो डिलीवरी होगी वो भी जस्ट इन टाइम होगी। तो मूल रूप से खरीदारी समय पर करना, उत्पादन समय पर करना, और उसकी जो डिलीवरी है उसका, उसकी जो पहुंच है कस्टमर्स तक, उसको जस्ट इन टाइम करना। तो मुख्य रूप से अगर हम इस मॉडल के बारे में बात करें तो निष्कर्ष क्या निकल करके आता है, इन सारी बातों का निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि अगर हम यहां पर जेट की बात करें मुख्य रूप से, तो ये मॉडल मुख्यतः चार बातें बात बताता है। कहता है जीरो डिफेक्ट्स, फिर ये कहता है जीरो डिले टाइम, फिर ये कहता है जीरो इन्वेंटरी, और फिर यहां पर ये कहता है जीरो प्रोडक्शन या जीरो लीड टाइम। ये चार इसके मुख्य आधार हैं, जीरो डिफेक्ट्स, जीरो डिले टाइम, जीरो इन्वेंटरी एंड जीरो प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि पहली चीज
मेंटेन हाई क्वालिटी, और मेंटेन हाई क्वालिटी का मतलब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये काम का इस्तेमाल करेगा। फिर जीरो डिले टाइम का मतलब है डिलीवरी जस्ट इन टाइम या क्विक क्विक डिलीवरी की बात हो रही है। फिर जीरो इन्वेंटरी का मतलब है परचेज जस्ट इन टाइम, और इसकी इसे हम क्यों करेंगे, मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट। और जीरो प्रोडक्शन या जीरो लीड टाइम्स का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इन टाइम। तो मुख्य रूप से क्या ये मॉडल जो है इसके बारे में बात करता है, अर्थात जब हम अपनी प्रोडक्ट में या जब हम अपने सर्विस में जीरो डिफेक्ट्स, जीरो डिले टाइम, जीरो इन्वेंटरी और जीरो प्रोडक्शन या जीरो लीड टाइम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे ही हम जापान का जस्ट इन टाइम मॉडल कहा जाता है। और ये मॉडल जो है डेवलप किया गया है टोयोटा जो मोटर्स है जापान की कंपनी, उसके द्वारा ये बनाया गया था। और इस मॉडल को एक और नाम से भी जाना जाता है, अभी उसकी हम चर्चा करेंगे। इसको शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग या SCM मॉडल भी कहा जाता है, जिसे मोटोरोला ने अमेरिका में बनाया था। तो सबसे पहले ये जो विचार है जस्ट इन टाइम, वो जापान में आया, और मोटो जो है टोयोटा जो वहां की टोयोटा मोटर्स है, एक फोर व्हीलर व्हीकल्स कंपनी है, उसने इस मॉडल को डेवलप किया था। और फिर अमेरिका में इस मॉडल को कॉपी करके वहां पर SCM मॉडल के नाम से जो है वो बनाया गया था। लेकिन ये मॉडल का जो सार है वो समझने बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मॉडल ऐसा है, यानी यहाँ पर आपको चार जीरो ध्यान रखने हैं। एक जीरो डिफेक्ट्स ध्यान रखना है, यानी जो है एकदम एररलेस प्रोडक्शन, यानी मेंटेन हाई क्वालिटी, और हाई क्वालिटी यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। जीरो डिले टाइम का मतलब डिलीवरी जस्ट इन टाइम, अर्थात कम से कम समय में एक क्विक डिलीवरी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, अर्थात किसी भी उत्पाद या सेवा की एक त्वरित जो है पहुंच सुनिश्चित करना ग्राहक तक। परचेज जस्ट इन टाइम यानी मिनिमाइज, यानी हम सामान तब परचेज करेंगे जब हमारे पास ऑर्डर आएगा। नो ऑर्डर नो परचेजिंग, क्योंकि अगर आपने सामान पहले से खरीद के रख लिया तो क्या होगा, एक तरीके से आपका जो पैसा है वो ब्लॉक होगा, और आप सामान खरीद कर रखते हैं तो उसकी सुरक्षा पर, उसके स्टोरेज पर भी आपका पैसा खर्च होगा। आके स्टॉक रख गया, अब अभी डिमांड नहीं है, नीड नहीं है, तो उसकी सेफ्टी करना, उसकी जो है सिक्योरिटी पर भी आपका पैसा खर्च होगा। आप को एक गोडाउन लेना पड़ेगा, उस गोडाउन में आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, तो इससे भी आपका जो है खर्चा। इस तरह से ये कोई स्टोरेज करने की बात नहीं करता। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इन टाइम, इसका मतलब नो ऑर्डर नो मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम सामान नहीं बनाएंगे। जैसे पिज्जा का ऑर्डर या बर्गर का ऑर्डर जब तक नहीं होता, तो आप देखें कि ये जो जो यूनिट्स इनको चलाती है, रन करती हैं, वो पहले से पिज्जा या बर्गर बना करके नहीं रखती। या तमाम जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो भी जो है, तमाम जो आप देखें कि महंगी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो भी आपको तुरंत आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। जब आप बुकिंग करते हैं तो एक टाइम दे करके फिर कम से कम समय में वो आपको डिलीवरी पहुंचाते हैं। पहले से वो गाड़ियां या पहले से जो मोबाइल है वो बना करके स्टॉक नहीं रखते। हालांकि आजकल थोड़ा सा विचार बदला है और आपको तमाम तरह के वेयर हाउसेस मिलेंगे, लेकिन ये एक विचार है जहां पर हम ना तो कोई स्टॉक रखते हैं, ना इन्वेंटरी रखते हैं, ना ही फिनिश प्रोडक्ट रखते हैं, यानी ना तो रॉ मटेरियल का स्टोरेज। यहाँ पर जो बात हो रही है जीरो इन्वेंटरी का मतलब है यहाँ रॉ मटेरियल की। तो जीरो रॉ मटेरियल, जीरो फिनिश्ड गुड, जीरो एरर, भाई जीरो डिफेक्ट्स का मतलब है जीरो एरर, और जीरो डिले, यानी कोई भी जो है वेटिंग, जीरो वेटिंग, वेटिंग नहीं होगा। तो नो रॉ मटेरियल, नो फिनिश प्रोडक्ट, नो एरर एंड नो डिले। तो चाहे उसको आप
जीरो के रेफरेंस में समझें चाहे नो के रेफरेंस में पढ़े। तो इस अब पूरे मॉडल को अगर हम यहाँ से निकाल कर लाएं तो एक बात समझ में आती है कि जस्ट इन टाइम एक ऐसा जापानी नॉलेज है, एक ऐसा जापानी थॉट है फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस, फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर मेनली चार चीजों को जो है वो कवर करने की कोशिश करता है। हालांकि और भी चीजें हैं, आगे हम इसके प्रिंसिपल्स को लेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। चार चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करता है। पहली चीज जीरो डिफेक्ट्स यानी जीरो एरर्स, फिर जीरो डिले टाइम अर्थात नो वेटिंग, फिर जीरो जो है वो इन्वेंट्री अर्थात नो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड जीरो प्रोडक्शन अर्थात मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इन टाइम। तो हर किसी के साथ आप जस्ट इन टाइम शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे के पूरे मॉडल को हम जस्ट इन टाइम या ठीक समय या सही समय का मॉडल कहते हैं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जरा इसका जो मीनिंग है वो हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये मॉडल किस पर बात करता है। तो चूंकि ये नॉलेज है, एक थॉट है, ये एक जापानीज थॉट है, तो जे आई टी क्या है अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, ये किस तरीके का विचार है। तो ये क्या है जापानीज, ये जे आई टी क्या है, अ फिलोसॉफिकल थॉट फॉर इल्यूमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट आर सर्विस। तो फिलोसॉफिकल थॉट यानी एक विचार है, एक दार्शनिक विचार है। एलिमिनेशन का मतलब उन्मूलन, वेस्ट का मतलब है व्यय को कम करना, वेस्ट। फिलोसॉफिकल जे आई टी क्या है, जे आई टी इज अ फिलोसॉफिकल थॉट फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब यहां पर वेस्ट थोड़ा सा व्यापक संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। वेस्ट मीन्स यहां पर क्या है, किस तरीके का वेस्ट होता है। यहां पर वेस्ट का मतलब है यहां पर ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन के फॉर्म में वेस्ट हो सकता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में वेस्ट हो सकता है, इन्वेंट्री के फॉर्म में वेस्ट हो सकता है, डिफेक्ट्स के फॉर्म में वेस्ट हो सकता है, और वेटिंग ये आपका है यहां पर वेस्ट हो सकता है। अब ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि वही चीज है यानी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है लेकिन हमने पहले से उसको बना करके यहां पर रख लिया। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग विदाउट नीड, इसका मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग विदाउट नीड यानी हमें ऑर्डर नहीं है हमारे पास लेकिन हमने सामान बना करके रख लिया। तो अब क्या है, उस सामान को रखने के लिए हमने कहा ना कि उसकी सुरक्षा के लिए उसकी देखरेख के लिए हमको काफी जो स्टाफ रखना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक्सिस टाइम, एक्सिस डिलीवरी टाइम एक्सिस
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी वेयर हाउस से इधर से उधर चीजें जो है बार बार हमको भेजना है। इन्वेंट्री का मतलब है एक्सिस इन्वेंट्री या एक्सिस रॉ मटेरियल, एक्सिस रॉ मटेरियल। डिफेक्ट्स का मतलब है स्क्रैप या लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, और वेटिंग का मतलब है डिले, डिले आर ए लॉट ऑफ टाइम फॉर डिलीवरी। तो पांच तरीके का ये वेस्ट होता है यहां पर। तो जो जस्ट इन टाइम है वो जस्ट इन टाइम क्या है, एक ऐसा दार्शनिक विचार है जिसमें हम अपने वेस्ट को यानी अपव्यय को नियंत्रित करने के लिए, अपव्यय के उन्मूलन के लिए हम काम करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन तथा उत्पाद एवं सर्विस में सतत सुधार के लिए, अर्थात प्रोडक्ट या सर्विस में कॉन्टिन्यूअस जो है इंप्रूवमेंट के लिए, एवं वेस्टेज को या अपव्यय को के उन्मूलन के लिए प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो दार्शनिक विचार है, उस दार्शनिक विचार को ही हम जस्ट इन टाइम कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि ये जो थॉट है जस्ट इन टाइम, उसको डेवलप किसने किया, डेवलप बाय, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डेवलप्ड बाय टोयोटा मोटर्स, टोयोटा मोटर्स, या इसी को हम लोग ये जापान में ये थॉट डेवलप किया गया, यानी चूंकि टोयोटा क्या है, जापान की कंपनी है, तो ये जापान के द्वारा है। लेकिन इसी को अगर हम बात करें अमेरिकन थॉट्स में, तो वहां पर इसको SCM मॉडल बोला जाता है। SCM मॉडल का मतलब है, SCM भी कहा जाता है इस मॉडल को, और SCM के फॉर्म में इसे जो डेवलप किया है वो डेवलप किया है, तो यहां पर अगर हम इसको एक और लिख लें तो इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, या इसी को हम लोग SCM कह सकते हैं। और जब SCM नाम से हम देते हैं तो SCM जो डेवलप किया गया वो डेवलप किया गया बाय मोटोरोला। तो यहां पर अगर हम इसकी चर्चा करें यहां पर, तो दो चीजें हैं यहां पर, बाय मोटोरोला, लेकिन ये कहां है, अमेरिका है। तो पहले ये जो थॉट आया 1950-60 के दशक में वो जापान में आया, और जापान में यानी मेनली जो ये जस्ट इन टाइम है इसका संबंध जो है वो टोयोटा से है, ये ध्यान रखें, टोयोटा मोटर से डेवलप किया। तो टोयोटा मोटर के नाम से ये जस्ट इन टाइम कहलाता है, और जब हम मोटोरोला के परिपेक्ष में बात करते हैं तो वो SCM यानी शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग नाम से जाना जाता है। थॉट दोनों का सेम है, यानी जो इसके विषय वस्तु है इस सिद्धांत की, वो विषय वस्तु लगभग एक समान है। तो इस सिद्धांत, जब जस्ट इन टाइम मॉडल पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि ये एक जापानीज मॉडल है जिसे टोयोटा मोटर्स ने डेवलप किया, और लेकिन जब हम इसको शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग या SCM कहेंगे तो ये SCM जो है मॉडल है वो मोटोरोला के द्वारा डेवलप किया गया अमेरिका में। चलिए अब अगर हम लोगों ने इसका जो मीनिंग है और इसका जो स्ट्रक्चर है अगर वो समझ लिया है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट इन टाइम की बात करें तो क्या प्रिंसिपल निकल करके आते हैं यहाँ। अगर हम यहां पर प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल में चार बातें निकल करके आई थी, हम सभी जानते हैं। हमने अभी बात की जीरो डिफेक्ट्स की, हमने बात की जीरो डिले टाइम की, हमने बात की
जीरो इन्वेंट्री की और हमने बात की जीरो प्रोडक्शंस की या जीरो लीड टाइम की। अब इसी से इसके सिद्धांत बनते हैं। डिफेक्ट्स, जीरो डिफेक्ट्स का मतलब है, अगर हम यहां पर बात करें जीरो डिफेक्ट्स, तो जीरो डिफेक्ट्स के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। फिर हमने बात की जीरो डिले टाइम की। जीरो डिले टाइम्स का मतलब है सप्लायर मैनेजमेंट की बात हो रही है यहां पर गाइस। फिर हमने बात की यहां पर जीरो इन्वेंटरी की। तो जीरो इन्वेंटरी का मतलब है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फिर हमने बात की यहां पर जीरो प्रोडक्शंस की, या इसी को हम जीरो लीड टाइम्स की, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब ये चार चीजों चीजें हैं, अगर हम यहां पर इन चार चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम जीरो डिफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम जीरो डिले टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, हम जीरो इन्वेंटरी के बारे में बात कर रहे हैं, जीरो प्रोडक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चारों चीजों को करने के लिए हमें एचआर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। अर्थात यहां पर एक चीज है एचआर मैनेजमेंट, जो अंतिम रूप से इन चारों की सफलता के लिए जिम्मेदार है। और एचआर मैनेजमेंट का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज का डाइवर्सिफिकेशन अर्थात उनका जो है वो विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इम्प्लॉयज, अर्थात हर किसी के लिए अलग अलग तरह के लोगों की व्यवस्था करना, हर की टीम अलग कर लेना। यानी अब यहां पर अगर हम जीरो डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नो एरर। अगर हम यहां पर जीरो डिले टाइम का कह रहे हैं, तो मतलब है नो वेटिंग। हम जीरो इन्वेंटरी का मतलब कर रहे हैं, तो नो रॉ स्टॉक या नो रॉ मटेरियल स्टॉक। अगर हम इस पूरे शब्द को लें यहां पर, तो क्या निकल करके आएगा, नो रॉ स्टॉक। फिर जीरो प्रोडक्शंस का मतलब है नो फिनिश्ड स्टॉक, और एचआर का मतलब है टीम वर्क। तो ये है हमारे बेसिक प्रिंसिपल जस्ट इन टाइम के। तो जस्ट इन टाइम में जब हम बात करते हैं जीरो डिफेक्ट्स की, जब हम बात करते हैं जीरो डिले टाइम की, जीरो लीड की, जीरो इन्वेंटरी की, तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स या एचआर मैनेजमेंट या मानव संसाधन प्रबंधन करना पड़ता है। तो हमें चार पांच तरह के मैनेजमेंट करने पर, हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमें सप्लायर मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, हमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, और हमें एचआर मैनेजमेंट। ये पांच मैनेजमेंट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है जस्ट इन टाइम के, और इन्हीं पांच के द्वारा ये चार फंडामेंटल चीजें जो है वो हम कर पाएंगे। इसीलिए जब हमने जस्ट इन टाइम का जो स्ट्रक्चर देखा था, उसमें ये चार जीरो देखे थे, और ये चार जीरो को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इम्प्लॉयज जो मैनेजमेंट है, एक टीम वर्क है वो लेना पड़ेगा। हर किसी लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, और उस टीम को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्विक परचेजिंग की है। इसका मतलब ये है कि अगर हम
इस पूरे मॉडल का सार निकालें तो इस पूरे मॉडल का सार क्या निकल करके आता है अगर हम इसको देखें तो सबसे पहली चीज है परचेजिंग जस्ट इन टाइम। भाई परचेजिंग जस्ट इन टाइम आप करेंगे यहां पर क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं है, आपके पास स्टॉक नहीं है तो आपको तुरंत ऑर्डर आया तो तुरंत आप क्या करेंगे परचेज करेंगे। फिर दूसरी जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग भी आप कब करेंगे जस्ट इन टाइम करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद आती है आपकी डिलीवरी, तो डिलीवरी भी आप क्या करेंगे जस्ट इन टाइम करेंगे। तो बेसिक जो इसका फंक्शन है अगर हम इसका फंक्शन देखें यहां पर तो इसको हम फंक्शन कह सकते हैं। इसका मतलब है कि नो ऑर्डर नो परचेजिंग, व्हेन ऑर्डर देन परचेजिंग, नो ऑर्डर नो प्रोडक्शन व्हेन ऑर्डर। यानी एक तरीके से अगर हम इसको बात कहें तो ये पूरा का पूरा जो विचार है वो है पुल एंड पुश का। पूरा का पूरा जो ये मॉडल है ये दो चीजों पर आधारित है, पुल एंड पुश, ये इस पर काम करता है। अर्थात जब तक कोई खींचेगा नहीं, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम कोई भी चीज जो है आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो बेसिकली जो जस्ट इन टाइम है वो पुल एंड पुश थ्योरी भी कहा जा सकता है इसको। और पुल एंड पुश थ्योरी का मतलब है कि हम परचेजिंग भी तब करेंगे जब डिमांड होगी, और परचेजिंग होगी कब जस्ट इन टाइम। मैन्युफैक्चरिंग हम कब करेंगे जब डिमांड होगी ऑर्डर होगा, और मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे यानी जो रॉ मटेरियल उसको फिनिश गुड में जस्ट इन टाइम कम से कम समय में तैयार करेंगे, और फिनिश प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है कस्टमर तक वो भी हम जस्ट इन टाइम करेंगे। यानी जस्ट इन टाइम परचेजिंग, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग एंड जस्ट इन टाइम डिलीवरी ही जस्ट इन टाइम मॉडल का जो है वो फंक्शन है या इसका कार्य है। और ये फंक्शन यानी जस्ट इन टाइम मॉडल जो है वो फंडामेंटली पांच जो है वो सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है। पहला सिद्धांत है इसका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड देन आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट। ये पांच मैनेजमेंट के थ्रू ही ये पांच जो उसके सिद्धांत है इन पांच सिद्धांतों के थ्रू ही ये जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग जो है परचेजिंग करता है, जस्ट इन टाइम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, और जस्ट इन टाइम जो है वो डिलीवरी करता है। और इन चार तीन चीजों को परिपेक्ष में ही जो है वो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट होता है अर्थात ओवर प्रोडक्शन। जब ओवर प्रोडक्शन इसका मतलब बिना ऑर्डर के हम कोई चीज नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिना ऑर्डर के अगर हमने बना करके फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके रख लिया तो हो सकता है कि वो वेस्ट चला जाए। ट्रांसपोर्टेशन अर्थात हमें क्या करना है, यात्रा व्यय को नहीं बढ़ाना है, चीजें स्थानीय स्तर से परचेज करनी है, और हर जगह पर जो है वो अपने वेयर हाउस अपने छोटे छोटे आउटलेट्स खोजने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से जो है सामान भेजना पड़ेगा, यानी ऑर्डर बहुत दूर से आया तो बहुत दूर सप्लाई ना, क्योंकि डिलीवरी तभी कम समय में हो सकती है जब हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को मिनिमाइज करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को मिनिमाइज करने का मतलब है कि आप छोटी छोटी अपनी ब्रांचेज छोटे छोटे अपने यूनिट लगभग हर लोकल शहर में हर शहर में जब आप खोलेंगे तो आप देखें कि आज की जो कंपनियां हैं वो छोटे छोटे गांव तक और कस्बों तक अपनी जो शोरूम है उनको पहुंचा रही हैं बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। फिर इन्वेंट्री को यहाँ पर हम मैनेज करते हैं अर्थात हम कोई स्टॉक परचेज करके कोई रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं रखेंगे, नो इन्वेंट्री, क्योंकि जब सामान की जरूरत होगी तब हम जो है उसको परचेज करेंगे, क्योंकि हम अपना पैसा फंसा कर नहीं रखेंगे, क्योंकि कस्टमर की नीड कस्टमर की डिमांड मार्केट की डिमांड बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के समय में अगर किसी ने जो है मास प्रोडक्शन करके रखा है और 6 महीने जो है वो लॉकडाउन रहा 3 महीने लॉकडाउन रहा तो उस स्तर पर उसकी जो है सप्लाई है वो ब्रेक हो गई, तो हो सकता है कि उसका जो मॉल है वो उसकी जो स्टोरेज कास्ट है जो उसका प्रिजर्वेशन है वो बढ़ गया हो, और वो हो सकता है कि वो ऐसा मॉल रहा हो ऐसा प्रोडक्ट रहा हो जो वेस्ट हो गया हो स्क्रैप में कन्वर्ट हो गया हो।
और फिर हम वेस्टिंग की बात करते हैं, डिफेक्ट्स की, यानी हमें अपने माल में जो है जीरो एरर्स भी लानी, और एरर्स के कम करने के लिए हम सिक्स सिग्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो है वो जो थॉट है वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। फिर इसके अलावा जो है वो वेटिंग हमको नहीं रखनी है, अर्थात हमें जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे उनको तुरंत क्लियर करते चले जाना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना है। तो ओवरऑल रूप से जो ये मॉडल है वो क्विक डिलीवरी के बारे में बात करता है, क्विक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करता है, क्विक परचेजिंग के बारे में बात करता है, एंड क्विक जो है वो रिचनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कस्टमर्स के बारे में बात करता है। तो गाइज आई होप कि ये मॉडल आपको समझ में आया होगा। इस मॉडल के अंतर्गत आपको सबसे पहले इसका जो थॉट है वो ध्यान रखना है, इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान में रखना है, इसके प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है, और इसका फंक्शन, यानी चार चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसका जो थॉट है, यानी दिस इज अ फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये थॉट है इसका। इसके पांच प्रिंसिपल हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड एचआर मैनेजमेंट। इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन इसके तीन है, फंक्शन में तीन स्टेप्स हैं, परचेजिंग जस्ट इन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इन टाइम एंड डिलीवरी जस्ट इन टाइम। और एक आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि इस मॉडल को जो डेवलप किया है वो टोयोटा मोटर्स ने डेवलप किया है जस्ट इन टाइम नाम से, और इसी मॉडल को SCM या शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग नाम से भी जाना जाता है, जिसे मोटोरोला ने डेवलप किया था अमेरिका में। तो ये दोनों देश जो है वो औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरे हैं और आज विकसित देशों की श्रेणियों में हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों विचारों का जो है बहुत योगदान रहा उनकी उन्नति में, उनकी प्रोग्रेस में। तो गाइस ये था हमारा जस्ट इन टाइम मॉडल। अगली क्लास पे हम जापान के एक और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थॉट पोका योक मॉडल के बारे में बात करेंगे। पोका योक मॉडल क्या है, पोका योक एक जापानी वर्ड है, और इसका क्या मीनिंग है, और इस मॉडल में हम किस बारे में बात करते हैं, ये अगली क्लास में। आज इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत जल्द अगले क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।